हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीताज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये है सूप की रेसिपी है। वेजिटेबल सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वेजिटेबल सूप बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो हम मैं एक एक करके इस्तेमाल करूँगी, आप देखते जाइएगा। देन उससे पहले ये मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो बटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बटर इस्तेमाल कर लीजिए। एंड मैंने ये ब्रेड के क्यूब्स काट लिए हैं इस तरीके से फ्रेंड्स, ये सूप के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और इसको अभी हम डीप फ्राई करेंगे, तो डीप फ्राई करने के लिए ये मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया, मीडियम हाई गरम है ये ऑयल, और इसको हमें थोड़े थोड़े करके डीप फ्राई करते हैं इस तरीके से। और इसको चलाते रहिएगा, इसको हमने चला देना है, मीडियम फ्लेम पे ही करिएगा, एकदम हाई फ्लेम मत करिएगा। और फ्रेंड्स, जो मैंने ये ब्रेड लगे हैं, मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे रही हूँ, ये मैंने ब्रेड जो लिए हुए हैं यहाँ पे, तो एक दिन का रखा हुआ ब्रेड है। तो एक दिन का रखा हुआ ब्रेड जो होता है, तो उसको यदि आप इस तरीके से फ्राई करेंगे तो क्या होगा, उसमें ऑयल या घी बटर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम ये अब्जॉर्ब करेगा। और ये फ्रेश अगर ब्रेड लेंगे तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा भर जाता है ब्रेड में, तो आप कोशिश करिएगा कि एक दिन की रखी हुई ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो ये हमारी ब्रेड सिक चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ब्रेड निकाल लिया इस तरीके से फ्राई करके। अब मैंने यहाँ पे ऑयल निकाल दिया है, ये सेम कढ़ाई में मैं ये बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। बटर और घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ये थोड़ा सा हरा प्याज लिया है, बारीक चॉप कर लिया, आप चाहें तो दूसरा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने हरा प्याज यूज़ किया है ये। अब हम इसमें डाल देंगे, सौते करेंगे थोड़ा सा, इसको सौते करना है, हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, लाल नहीं करना है, बिल्कुल सौते करना है इसको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज सौते हो चुका है। इसमें फ्लेवर के लिए मैं एक पहले ही मुझे डाल देनी चाहिए थी, तो मैं भूल गई, ये मुझे एक मैंने तेज पत्ता डाला फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे मैंने चार इलायची ली है छोटी, और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया, उसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें लहसुन इस्तेमाल करूँगी, बारीक चॉप कर लिया, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें अदरक स्किप कर रही हूँ, आप चाहें तो अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सौते कर लेंगे, मैं इसमें ये कॉर्न और मटर डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। ये हल्की सी सौते करेंगे, और मैं यहाँ पे बाकी की ये गाजर और शिमला मिर्ची और कैबेज ये डाल रही हूँ, पत्ता गोभी ये इस्तेमाल कर सकते, इनको भी हल्का सी सौते करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा ये जो सूप है बहुत ही हेल्थी और बहुत ही न्यूट्रिशियस है, आप इसको कभी भी, अगर आप डाइट में हैं तो डाइट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको हम सौते करेंगे हल्का सा। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी हमारी रोस्ट हो चुकी है, हमें ज़्यादा भूनना नहीं इनको, जस्ट रोस्ट करना है। और अब इसमें हम गोभी डाल देंगे, आप ब्रोकली भी गोभी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें ये मैंने पालक काटा हुआ है, थोड़ा सा मैंने दो तीन पत्ते काट लिए, बारीक चॉप कर लिए, ऑप्शनल है, ये डालना चाहे डालिए, इसको करना है इसको दीजिए, इसको भी भून लेंगे। मैं यहाँ पे ये हरे प्याज का जो मैंने ग्रीन पार्ट्स है ये भी यूज कर रही हूँ, तो ऑप्शनल है ये भी, अगर ये भी यूज करना चाहें तो इस तरीके करना चाहिए, कुछ कर दीजिए। और ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है हमारी सब्जियां, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पानी ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था, ये 1.5 लीटर पानी है, तो इसको मैंने हल्का सा ही बॉईल किया था, अब हम इसमें डाल देंगे। तो ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ,
ये मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ, तो यदि आप चाहें तो ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो आप उसी हिसाब से इसकी सामग्री ऐड करिएगा। तो इसको जो 1.5 लीटर पानी हमने बॉईल करके इसको इतना 1 लीटर पानी में लेके आना है इसको, तो हमने इसको अच्छे से बॉईल करना है। अभी हम हाई फ्लेम करेंगे इसका, और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे डाला है, तो नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो फ्रेंड्स ये अभी एक उबाल आने तक हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद जैसे ही बॉयल आता है इसको फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको हम ढक देंगे जिससे कि जल्दी बॉयल आ जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स देखते हैं, एक बार बॉयल आ चुका है इसमें, वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, इसको हम चलाएंगे एक बार। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस लिया है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं 1/2 टेबल स्पून विनेगर इस्तेमाल करूँगी। ये विनेगर में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है फ्रेंड्स, ये आपको लेमन वगैरह जब भी इस्तेमाल करें या विनेगर, थोड़ा सा पानी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा उसमें। ये मैं डाल दूंगी इसमें, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने काली मिर्ची कूटी हुई थी ये, और चिली फ्लेक्स हैं, और ये थोड़ा सा ऑर्गेनो हर्ब्स से है, तो आप ऑर्गेनो हर्ब्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो स्किप कर दीजिए, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। बाकी डालना चाहें डालिए, स्किप करना चाहें स्किप कर दीजिए। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक और कुक करेंगे, क्योंकि सब्जी हमारी ऑलरेडी कुक थी, और ये हमने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, पानी भी बॉइल्ड हुई हमने डाला था, इसलिए हमें ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। इसमें मैंने जो भी मसाले डाले हैं फ्रेंड्स, तो आप इसमें चाहें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स वगैरह काली मिर्ची कम डालिएगा। ये मैंने यहाँ पे विनेगर और लेमन जूस यूज़ किया, तो उसको खट्टा मीठा बैलेंस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून है, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी, ये खट्टे मीठे का बैलेंस अच्छा रहेगा इसमें। थोड़ा सा इसको आप मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारा सूप थोड़ा सा रेडी, अब हम इसमें रेडी हो जाएगा, अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस यूज़ करेंगे, ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अच्छा रहता है, फ्लेवर अच्छा आता है इससे। बाकी आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें, स्किप करना चाहें स्किप कर दीजिए। इसको हम 2-3 मिनट और मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सूप हमारा रेडी हो चुका है बनके। अभी इसको क्या करेंगे, यदि हम ऐसा अभी इसको पियेंगे और तो क्या होगा ना, ये पानी पानी की तरह दिखेगा, सूप हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको हम गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें ताकि ये गाढ़ा सूप रेस्टोरेंट स्टाइल में हो जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे ये अरारोट लिया है। आप अरारोट की जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, यदि कॉर्नफ्लोर और अरारोट नहीं है आपके पास तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, तो उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि यदि जिस जब आप प्याज वगैरह भूनते हैं, वेजिटेबल भूनते हैं, तो उस समय भूनते समय आप 2-3 टेबल स्पून इसमें मैदा यूज़ कर लीजिए, और मैदा क्या होगा ना, साथ के साथ सब्जियों के संग भुन भी जाएगी और उसका कच्चेपन का फ्लेवर भी निकल जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक घोल बना लेते हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ और ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, तो इसीलिए इसका हम घोल बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये घोल मैंने रेडी कर लिया है, अब हम इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चलाते जाएंगे। आप इसमें, मैंने देखिए इतनी सारी वेजिटेबल यहाँ पे डाले हैं, यदि इसमें से आपको कोई पसंद नहीं है वेजिटेबल तो आप स्किप कर दीजिए। यदि इसमें आप इन वेजिटेबल्स के अलावा और भी कोई वेजिटेबल अपनी पसंद से इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रेंच
फूल गोभी यूज़ की है तो उसकी जगह आप जुकैनी भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसमें ब्रोकली वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा एक बॉईल आने दीजिए, ये गाढ़ेपन पे आ जाएगा और अभी हम इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बॉईल आ चुका है और आप देख सकते हैं ये हमारा जो सूप रेडी हुआ है बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है। और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में ये बहुत हेल्दी है। और यदि जो लोग डाइट पे हैं, डाइट करें, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो इसको बना के खाएं। तो इसका गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो चुकी है। इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने सूप कढ़ाई से निकाल के और मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने ये जो ब्रेड फ्राई किए थे ये साइड में रखेंगे। आप किसी को भी सर्व, आपके कोई भी गेस्ट आ रहे हैं आप उनको भी सर्व कर सकते हैं ये इस तरीके से। और सच में बहुत तारीफ करेंगे वो आपके, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि तो सर्दियों का मौसम है, आप बच्चों को भी बना के ये दे सकते हैं। और इस तरीके से अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये पुदीने के लीव्स हैं मेरे पास और कुछ ये धनिया के लीव्स हैं, इनसे हम ये गार्निश कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये सूप की वेजिटेबल सूप की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड यदि आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने वेजिटेबल सूप बनाया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड प्लीज़ मेरे, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।